मेरा नाम मुसैब सोफ़ी है, मैं टिकटॉक पे मुसैब सोफ़ी के नाम से जाना चाहता था। मेरे हिसाब से तो ठीक ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो कश्मीर में बहुत हालात ख़राब हुई थी, इससे थोड़ी यहाँ की लड़कियाँ लड़के जो थे सो ऑलमोस्ट सब कुछ ख़राब माशरे यहाँ पे हो गया था। सो मुझे लगता है मेरे हिसाब से अच्छा हो गया, क्योंकि बाकी चीज़ भी है, इंस्टा भी है। अब हम थोड़ा अगर हम टिकटॉक पे हम अपनी फ़नी वीडियोज़ बनाते थे जिससे लोग हंसते थे, तो हम थोड़ा अब हमें कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट मुसैब भाई का इंस्टाग्राम है जिसपे ऑलमोस्ट 30,000 एबो फॉलोवर्स हैं। सो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। पहली बात तो मैं मतलब टिकटॉक चलाता था, मतलब एंटरटेनमेंट, वो एंटरटेनमेंट के लिए चलाते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ही थिएटर्स हैं, ना मतलब कोई वो चीज़ है जहाँ पे मतलब हम अपने आप को, आप देख सकते हैं यहाँ पे 50-60% ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में मुब्तला है। हाँ, और मेरी यही एम थी कि मैं उनको थोड़ा सा हंसा सकूँ, जिसमें मैं भी इन्जॉय करता था, वो भी इन्जॉय करते थे, एक बॉन्ड बन गया था मेरा जो मेरे फ़ैन्स थे या मुझे फॉलो करते थे उनके और मेरे बीच में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कल से इसको बैन कर दिया गया मतलब किसी रीज़न से। सो जो मुझे फॉलो करते थे, चाहे वो 1.5 लाख थे, 2 लाख थे, या मुझे देखते थे, तो अब उनका और मेरा कनेक्शन कट हो गया। सो अब मुझे दूसरा एक प्लेटफॉर्म ढूंढना है, और इसमें मुझे बहुत टाइम लगा था, ऑलमोस्ट 2 साल मुझे लगे थे ये 1.5 लाख या 2 लाख फैन गेन करने में, एक अपनी इमेज कश्मीर में बनाने के लिए कि मैं एक फ़नी फेस माना जाता था यहाँ पर, वो कोई नहीं जो नहीं जानता था इस चीज़ के रिगार्डिंग मुझे जाना जाता था कि मैं लोगों को हंसाता था, या मैं अपना मजाक बनाता था, या मैं किसी चीज़ पे कुछ।